चलिए बच्चों, नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पीछे से सब रिवाइज कर लिया होगा। अब मैंने आपको हालांकि बता दिया था कि चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैंने आपको लिखा देता हूं, नोट करिए सभी बच्चे मेरे साथ, शुरू कर दीजिए। देखिए, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, सर ये 3 नंबर में आ जाता है एग्जाम में। कितने नंबर में आता है? 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में, डिफरेंस बताइए। तो सर जी 3 मार्क्स में आ जाता है, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट, 3 मार्क्स में 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, कब 2 नंबर में पूछ रहे 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट पूछे 3 पॉइंट पूछे तो आपको ये जरूर लिखना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 3 नंबर में पूछे, और 2 में पूछे ये 2 पॉइंट देना है। ये नहीं है कि जबरदस्ती पहले जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं अननेसेसरी। भैया 32 क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, अब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी आते हैं 20, और फिर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 8-8 नंबर के, आधा घंटा लग जाता है, तो सबको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है नेचर क्या है इसका? इट मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। कह रहा है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए रिवेन्यू में से क्या हो जाता है, क्या चार्जे मतलब एक्सपेंसेस, मतलब रिवेन्यू का मतलब है इनकम, इनकम में से खर्चे निकाल देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। रिवेन्यू बोले तो कुछ सेल्स बोलते हैं रिवेन्यू का मतलब। आप थर्ड बुक पढ़ोगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, वहां पर रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, और यहां पर इसका मतलब है कि इनकम में से खर्चे लेस कर दोगे, जो भी निकल के आएगा वो प्रॉफिट आएगा निकल के, समझ में आ रही है? तो मैंने लिखा है इट मींस डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, क्लियर है? चलिए एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर Among the partners, एज पर पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको बताया था कि एक P&L अकाउंट बनता है, एक P&L अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट। तो P&L अकाउंट से क्या निकल गया था बेटा, नेट प्रॉफिट आता सभी निकल के, और ये नेट प्रॉफिट जब एक सिंगल ओनरशिप फर्म थी तो इस प्रॉफिट को सीधा कहाँ ऐड कर देते, कैपिटल में, जो जो उसका मालिक था। लेकिन अब पार्टनर कितने हो गए, 2, 3, 4, तो ये प्रॉफिट कौन बांटेंगे, पार्टनर्स। तो ये प्रॉफिट P&L के बाद बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये प्रॉफिट यहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सपोज किया नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, इसका मतलब है इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, इट मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो प्रॉफिट आया 12 महीने का, यह प्रॉफिट किसके बीच में बांटा जाएगा, पार्टनर्स के रूप में, अमंग द पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में, एज पर पार्टनरशिप डीड के अनुसार। सेकंड पॉइंट चलते हैं, रिकॉर्डिंग इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। सर जी खर्चे कहां लिखोगे, फैक्ट्री संबंधित खर्चे कहां आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में, फैक्ट्री किराया कहां आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी टू वर्कर्स किसके, फैक्ट्री के, वो यहां आएगा वेजेज, सैलरी टू स्टाफ, ऑफिस के स्टाफ को सैलरी दी, कहां आएगा, P&L अकाउंट में, वेजेज कहां आएगी, ट्रेडिंग में, सैलरी कहां आएगी, ऑफिस स्टाफ को दिया सैलरी, P&L अकाउंट में, बिजली का बिल दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन का बिल दिया, सब कहां आएंगे, P&L अकाउंट में। खर्चे कहां आते हैं, डेबिट में, इनकम कहां आती है, क्रेडिट में। तो देखिए
इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्जेस को कहां लिखेंगे? चार्जेस को कहां लिखेंगे? चार्जेस को कहां लिखेंगे? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। यहां जैसे सैलरी पे टू स्टाफ, बिजली का बिल दिया, डेबिशन दी, इलाज कटेगी? एसी लगा रखा है, मशीन लगा रखी है, कंप्यूटर लगा रखा है, सर जी उस पर हिरास लगेगी? हिरास कहां आएगी? पी एंड एल अकाउंट में। अब एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो प्रॉफिट है एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट को कहां लिखोगे? यहां पर। कह रहा है इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां डेबिट करोगे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या क्या? पार्टनर्स को दिया हमारी सैलरी, पार्टनर्स को दिया जाने वाला कमीशन, पार्टनर्स को दिया वाली ब्याज। कौन सी ब्याज? पूंजी पर ब्याज। यहां लिखेंगे, लिखवाए मैंने इट इज डेबिटेड टू, इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल के बाद बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल के बाद बनता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आ रही है? चलिए, नेसेसरी और नॉट, नेसेसरी और नॉट। कहता है इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है टू मेक चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इवन इफ देयर इज लॉस। जरूरी है, ये जरूरी है, पेमेंट करना ही करना है सैलरी के ऑफिस के स्टाफ को, चाहे लॉस ही क्यों ना हो जाए। क्या आप अपने ऑफिस के स्टाफ से जो काम कर रहे हैं, आपके ऑफिस में एक फर्म है एबीसीएन कंपनी, तीन पार्टनर्स हैं, कंप्यूटर की फैक्ट्री है, कंप्यूटर बेचते हैं, खरीदते और बेचते हैं, अब उसमें 10 स्टाफ लगा रखा है, तो उनसे ये कह दोगे आप कि भाई साहब वो हानि हो रही है, हम इस बार सैलरी नहीं देंगे? वो काम करेंगे आपके लिए? आप खुद सोचो, अगर आपके पिताजी उस फर्म में काम करते हैं और आपके फादर को फर्म ये कह दे कि भाई इस बार कुछ प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं होगा, फर्म हानि पर चल रही है, हम आपको सैलरी नहीं देंगे, क्या केजरीवाल सर जी मुझे मुख्यमंत्री हैं उनसे ये कह दोगे जी हमारी फर्म घाटे में चल रही है, हम आपको बिजली का बिल नहीं देंगे? हैं, जो आपने 10 फोन लगा रखे हैं अपने ऑफिस के अंदर, क्या उससे ये बोल दोगे कि जी बीएससीएस से कह जी बिजली के बिल वालों को कि जी हम बिजली का बिल नहीं देंगे, टेलीफोन का बिल नहीं देंगे? सर जी वो तो जरूरी है, बगैर उसके काम ही नहीं होगा, ऑफिस में बिजली नहीं है काम हो जाएगा? बोलो तो क्या है? इट इज नेसेसरी। कहता है इट इज नेसेसरी, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्जेज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इवन इफ देयर इज लॉस, चाहे हानि ही क्यों ना हो जाए, चाहे हानि ही क्यों ना हो जाए, आपको पेमेंट करना ही है, बाहरी खर्चे देने ही है, उसके बगैर काम ही नहीं होगा। इट इज नेसेसरी, कंपल्सरी, मैंडेटरी, मस्ट। एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन कब होगा? जब प्रॉफिट होगा। मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था सर जी, हानि को पार्टनर्स नहीं बांटते, हानि को हाथ, मतलब कहने का मतलब है लॉसेस, लॉसेस नेवर बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर हानि हो गई, क्या हो गई? हानि, तो लॉसेस नेवर बी ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कभी भी नहीं आएंगे। तो वही लिखाया मैंने, आप देख लो, आप देख लो, एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। बंटवारा जब ही होगा जब प्रॉफिट होगा। सर जी बंटवारा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पार्टनर्स को दी जाएगी सैलरी, सैलरी जबी दी जाएगी पार्टनर्स को जब प्रॉफिट होगा, पूंजी पर ब्याज, कमीशन टू पार्टनर्स, ये कब दी जाएंगे? कब होगा बंटवारा? जब प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट है ही नहीं तो क्या सैलरी दी जाएगी? क्या ब्याज दी जाएगा पार्टनर्स को? क्या पार्टनर को कमीशन दी जाएगा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं दी जाएगा सर जी।
चलिए एप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट, लिख लो एक एक चीज को, एक एक चीज को लिख लो बेटा। चलिए लास्ट सर जी वो एग्जाम्पल देकर समझा दो, हमें पता है सर जी, पता है आपको, हमें तो सब पता है कि आपके मन में क्या क्या चल रहा है। राजीव जैन है मेरा नाम, देखिए बस एक मिनट लूंगा, बस एक मिनट के बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए क्योंकि अब आगे सारा चैप्टर कॉन्सेप्ट इसी पर है। जैसे एग्जाम में समझाओ सर जी, एग्जाम में पूछ रहे, एग्जाम में बताओ चार्ज अगेंस्ट ऑफ प्रॉफिट के दो एग्जाम्पल बताओ, क्या करोगे? सर वो हमें पता ही नहीं है, आगे वाले पूछ रहे हो पता ही नहीं, फिर उससे आगे वाले से पूरी क्लास को नहीं पता, तो पता ही नहीं किसी को, तो क्या लिखोगे? तो इसलिए नोट कर लो, ये सीए अब सीए सीपीटी नहीं रहा, अब आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। पहले आते थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 सीए के पेपर में, अब नहीं आते चार ऑप्शन वाले, बच्चे आगे पीछे से पूछ पाछ के पास हो जाते थे। अब तो सब कुछ लिखना पड़ेगा, अब एग्जाम में थोड़ी आ जाएगी, ऐसे आएगी चार नंबर में आ गई, लिखो तो क्या लिखोगे? सर जी चार में चार नंबर आएंगे, आधा नंबर मिल करेगा, तो क्या लिखोगे एग्जाम्पल? क्या इन रेंट पेड टू ए पार्टनर्स, सर जी एक फर्म है, ये फर्म है यहां दुकान चल रही है, तीन पार्टनर्स हैं, किराया दिया, कैसे दिया किराया पार्टनर्स को? सर जी आपने तो कहा था कि पार्टनर से संबंधित खर्चे तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगे, आप तो कह रहे हैं यहां यहां जी यहां आएंगे, पीएनएल अकाउंट में आएंगे, यहां नहीं आएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएंगे, यहां नहीं आएंगे। मतलब मैंने आपसे कहा था पीएनएल के बाद बनता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देख लो आप, देख लो ये पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये पीएनएल अकाउंट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, सुनो ध्यान से। तो अगर आपने पार्टनर्स को किराया दिया, एक बार बताओ ये एक ही मेरी है ये दुकान, बीबी और सीडी पार्टनर्स है, तो मैं ये दुकान मैं क्यों दूंगा भाई, मेरी दुकान है तो मैं किराया लूंगा, तो फर्म जो है मुझे आउटसाइडर के रूप में ट्रीट करेगी पार्टनर में। आप ये मैं सोचना कि सर जी आप तो ये कर दें कि पार्टनर्स को किराया दिया तो पार्टनर से संबंधित खर्चे तो पीएनएल अकाउंट में आएंगे, यहां आएंगे, अरे हाँ जी अभी भी कह रहा हूं पार्टनर्स को किराया दिया वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां आएगा। किसे दिया किराया? पार्टनर्स को। पार्टनर्स को कैसे ट्रीट करोगे? बाहरी व्यक्ति। इससे क्या होगा? बीओसी को फायदा हो जाएगा, भैया फर्म मिलकर चला रहे हैं तो खर्चे सारे पूरे फर्म के खर्चे हैं ना, तो पूरे फर्म के खर्चे हैं तो यहां लिखोगे पीएनएल अकाउंट में, समझ में आ रही है? तो ऐसे ही बीच में क्या लगाते हैं? पूंजी। क्या लगाते हैं? कैपिटल। और कैपिटल के अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है? कोई एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, कौन दे रहा है? पार्टनर्स। लोन दे रहा है, कोई एक पार्टनर दे रहा है, लोन गिवन बाय ए टू द फर्म, तो ब्याज दी जाएगी, तो ब्याज कहां आएगी? यहां नहीं आएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगी, ब्याज कहां आएगी? यहां आएगी, पीएनएल अकाउंट में आएगी, क्योंकि कैपिटल के अलावा पैसा लगाया है, लोन लिया है पार्टनर से। अगर पार्टनर्स नहीं देता, अगर पार्टनर्स नहीं देता लोन को, तो हम किसी बाहर से व्यक्ति से ब्याज लेते, और बाहर वाले व्यक्ति से ब्याज लेते तो कहां लिखते? यहां। बैंक से ब्याज ले लिया तो कहां लिखोगे? यहां। ऐसे ही अगर राजीव जैन ने, अगर राजीव जैन ने फर्म को किराए पर अपनी बिल्डिंग नहीं दी होती और किसी भारतीय वाले को व्यक्ति को ली होती तो कहां लिखते? यहां लिखते। समझ में आ रही है आपके? तो आप राजीव जैन को ऐसे ट्रीट कर लो कि राजीव जैन जो कितना किराया दिया वो भार वाला व्यक्ति है फर्म के लिए, तो किराया यहां आएगा, ब्याज यहां आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा हमेशा सर जी यहां क्या आएगा? सर जी यहां क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां आएगा, सर जी सैलरी पेड टू पार्टनर्स यहां आएगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में हम भविष्य के लिए रिजर्व बना लेते हैं, भविष्य के लिए क्या बना लेते हैं? रिजर्व। तो रिजर्व कहां आएगा?
रिजर्व कहाँ आएगा? यहां पर। रिजर्व कहाँ आएगा? यहां पर। खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट। चलिए चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए। अटेंशन प्लीज, अटेंशन प्लीज, ध्यान सुनिए। एनी अमाउंट पेबल टू ए पार्टनर्स, मतलब कोई भी राशि पार्टनर्स को दी जाती है काय के रूप में? सैलरी के रूप में। काय के रूप में? कमीशन के रूप में। काय के रूप में? इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के रूप में। इज टू बी ट्रीटेड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एज ए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब कोई भी पार्टनर्स को दी जाने वाली राशि ब्याज कमीशन इंटरेस्ट कैपिटल चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, मतलब कहां जाएगा? पीएनडल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ पीएनडल मतलब बंटवारा होगा किसका? सैलरी का, कमीशन का और ब्याज का। किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं माना गया है। किसको? पार्टनर्स को दिया को कोई भी पेमेंट किया जाता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं बोलते हैं उनसे। चलिए आगे देखिए, लिखिए एक चीज और लिख लीजिए, लिखिए एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट लिख लीजिए, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। एक्सेप्ट मतलब होता है छोड़कर, EXCEPT का मतलब होता है छोड़कर, के बजाय, किसके बजाय? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेबल टू ए पार्टनर, रेंट पेबल टू पार्टनर। चलिए ये ध्यान रखना जिंदगी में, मेरी बात जिंदगी में रखना कि सर जी क्या, सर जी आज तक नहीं पता था हमारे को, बड़े कंफ्यूज जाते थे सर। सर जी आज आपने पहली बार बात बताई है, मेरी बात को बहुत सारे बात बच्चे सुन रहे होंगे। जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो बच्चे को कभी भी ब्रैकेट की चीज समझ में नहीं आती कि क्या क्या चाहता है मास्टर, क्या कहना चाहता है, कभी नहीं समझ में आती। आप सीधी बात पूरी लाइन पढ़ लो, ब्रैकेट से पढ़, बच्चा क्या करता है? ब्रैकेट सहित पढ़ता है, चीज ही समझ में नहीं आती। मैंने इसलिए पहले लिखी नहीं, बाद में लिखी। तू हमेशा इसको ढांक ले, अपने पेन से ढक ले और जब पढ़ सब समझ में आ जाएगा। मतलब इसको ढांक ले, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको ढांक, वो छाप बंद कर दे पेन से और फिर पढ़, समझ में आ जाएगा। अगर तू फिर क्या करता है, अगर ब्रैकेट में भी दे रखा है तो पूरा सेंटेंस की ऐसी जैसी हो जाती है, समझ में नहीं आता। तो ब्रैकेट की चीज ढांक के पढ़। कैसे पढ़? देख, एनी अमाउंट पेबल टू पार्टनर्स, सच है जे सैलरी, सच है जे सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन, चार्ज अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन मानते हैं या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, जो मैंने आज डिफरेंस दिखाई थे अभी दो मिनट पहले। एंड नॉट टू चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट मतलब कहने का मतलब पीएनएल अकाउंट में नहीं दिखाते, ये कह रहा है। पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट किया जाता है वो पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा जाता, बात को समझ ले ध्यान से, ये मतलब है इसका। पीएनएल अकाउंट में क्या जाएगा? ऋण पर ब्याज, ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, रेंट पेबल टू ए पार्टनर्स, ये कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में। सर जी मैंने थोड़ी और क्लियर करी है। हैंस दीज आइटम्स
आर ड्राफ्टेड टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट टू पीएनएल अकाउंट। बताते हैं आपको सर जी, इन तीनों आइटम को सर जी, इन तीनों आइटम को कहां लिखोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां लिखोगे इन तीनों अकाउंट को? पीएनएल नॉट टू पीएनएल अकाउंट या इंस्टेड ऑफ पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। पीएनएल अकाउंट में लिखने के बजाय आप यहां पर नॉट टू जगह लिख दो इंस्टेड ऑफ। पीएनएल अकाउंट में लिखने के बजाय कहां लिखोगे? कहां लिखोगे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूं, क्योंकि मेरा न्यूमेरिकल्स इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आपने लिख लिया, सब आप नोट कर लो। चलिए मैं आगे चल रहा हूं। अब मैं समझा रहा हूं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या होता है समझिए। आहरण पर ब्याज, बात को समझ लो। एक मिनट लगेगी सर जी, थोड़ा बता दो। देखिए डायग्राम से समझते हैं। समझ लो, बाद में मत कहना कि सर जी ने समझाया नहीं। देखिए ये मेरी फर्म है। इसका नाम है ए वी सी एंड कंपनी। ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है। इसमें तीन पार्टनर्स हैं। पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए क्या निकालते हैं? पैसा निकालते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्राइंग्स। पार्टनर्स निकाल रहे हैं, जैसे ये सब ड्राइंग्स हैं। कौन निकाल रहे हैं? ए बी और सी, ये ड्राइंग्स कर रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, आप इसका बात एक बात समझा दो, बात समझ लो। जब आपने फर्म में पैसा लगाया, क्या लगाया? कैपिटल लगाई। क्या लगाई? कैपिटल, पूंजी लगाई। तो किन्ने लगाई? ए ने। किन्ने लगाई? ए ने। ये ए है। ए ने लगाई, ये ए लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। तो फर्म इसको क्या देगी? ब्याज देगी। क्या देगी? ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया फर्म के लिए? क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया फर्म के लिए। क्या हो गया? खर्चा हो गया फर्म के लिए। क्या हो गया सर जी? खर्चा हो गया। सर जब आपने पैसा लगाया तो फर्म क्या दे रही है? ब्याज। फर्म के लिए क्या होगा? खर्चा। जब आप पैसा पार्टनर्स निकालेंगे अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म पार्टनर से क्या चार्ज करेगी? ब्याज चार्ज करेगी। फर्म पार्टनर से क्या चार्ज करेगी सर जी? ब्याज लेगी। किससे लेगी? पार्टनर से। सर जी ब्याज क्यों लेगी? पार्टनर्स को डिमोटिवेटेड करने के लिए। पार्टनर्स को डिमोटिव करने के लिए फर्म चार्ज दे रही है। क्यों? आप पार्टनर्स हो, आप फर्म से पैसा निकाल रहे हो। अगर आप फर्म से पैसा निकाल रहे हो तो आप ब्याज दोगे। जब आपने पैसा लगाया था तो फर्म ब्याज दे रही है, अब आप पैसा निकाल रहे हो तो पार्टनर्स देंगे ब्याज। कौन देंगे ब्याज? पार्टनर्स। तो देखिए ये पार्टनर्स हैं। ये कौन है? पार्टनर्स। ये पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स हैं। ये ए ने निकाला, ये ए ब्याज दे रहा है। ये कौन दे रहा है ब्याज? ए। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये ब्याज फर्म की क्या हो गई? ये फर्म की क्या हो गई? ब्याज इनकम हो गई। ये फर्म की क्या हो गई? इनकम। पार्टनर जब ब्याज देगा फर्म को तो फर्म की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। वही लिखाया, देखो ध्यान से, ध्यान से समझिए। एक मिनट का कंसेप्ट है, ध्यान सुनिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? बता दिया मैंने आपको, कौन से समझा दिया? पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालते हैं, तो फर्म क्या देती?
क्या लेगी? ब्याज लेगी, मतलब पार्टनर्स देंगे ब्याज। ये पार्टनर्स देगा, ए दे रहा है, ए निकाल रहा है तो ये देगा, और बी निकाल रहा है। अगर सपोज किया बी ने निकाला, सपोज किया बी ने निकाला, ये बी निकाल रहा है, ये बी है, तो बी देगा ब्याज, बी देगा, ये बी है, बी देगा ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। देखिए, चलिए, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स। ब्याज किससे चार्ज किया जाएगा? पार्टनर से। इट इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ है, आगे दिखाया, इट शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉल्स ऑफ द अमाउंट। जिस डेट को पैसा निकाला फर्म, उस डेट से ब्याज लेगी। अगर किसी पार्टनर्स ने 1 जुलाई को निकाला, 1 जुलाई 2019 को पैसा निकाला, तो 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 9। तो पार्टनर कितने महीने में ब्याज देंगे? 9 महीने का। समझ में आ रही है ये मतलब इसका? आगे सुनिए, कहता है इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इन दी एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, मतलब कोई सूचना नहीं दे रखी है काहे की कि पार्टनर्स ने पैसा कब निकाला, नहीं दे रखा। नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस है नहीं सर, अब क्या करें? अगर ड्रॉइंग्स की डेट नहीं दे रखी कि पार्टनर्स ने पैसा किस डेट को निकाला, नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, सर क्या होगा? सर जी, ऐसे हरण पर, ऐसी ड्राइंग्स पर फर्म उस पार्टनर से 6 महीने का ब्याज चार्ज करेगी। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स फ्रॉम द पार्टनर्स फॉर 6 मंथ। कितने महीने का ब्याज लेगी? 6 महीने का। बात समझ में आ रही बेटा? चलिए, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ ड्राइंग्स, अंडरलाइन कर लो, अबाउट दी डेट ऑफ ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ब्याज कितने महीने का निकाला जाएगा? ब्याज कितने महीने का निकाला जाएगा? सर जी 6 महीने का। ब्याज कितने महीने का निकाला जाएगा? सर जी 6 महीने का। देखिए एग्जाम्पल, देखिए, ए पार्टनर्स विड्रॉ 8,000, ए 8,000 रुपए ड्रॉइंग्स ए ईयर, मतलब एक पार्टनर विड्रॉ मतलब निकालता है, कितने रुपए निकालता है? 8,000 रुपए। कहां से निकालता है? फर्म से। अभी आपको ध्यान दे नहीं रखी, 8,000 रुपए निकाले, अबे कब निकाले? अबे 8,000 रुपए निकाले भाई कब निकाले? कोई डेट दे रखी है? कोई डेट नहीं दे रखी सर। कैसे पता, कैसे दे दूं मैं? 8 महीने का, 10 महीने का ब्याज कौन सा पार्टनर दे देगा? कोई समय दे नहीं रखा जब आपको डेट ही नहीं दे रखी। तो सर जी ऐसे आहरण पर 6 महीने का ब्याज लगा लो। कितने महीने ब्याज लगा लो? 6 महीने का। देखिए, इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स एट 15% पर एनम। तो सर जी कैसे निकालेंगे? लिखिए बेटा, मिटा रहा हूं। अब इसका आंसर लिखिए। चलिए लिखिए बेटा, आंसर लिखो मेरे बच्चे। इसका आंसर यहां लिखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना, अमाउंट कितना है? 8,000। कितने परसेंट है? 15% है, 15%, 15/100 इंटू कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। 15 × 8 = 120। सर जी 1200 रुपये हो गए एक साल के, कितने ब्याज हो गया? 600 रुपये हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है।
क्वेश्चन नंबर फोर स्क्रीन पर दे दिए कंप्यूटर महोदय जी, क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर आ गया। चलिए देखिए, मैं पीडीएफ पे अपने उस पर देख रहा हूँ मोबाइल पर। अब हम ये देखिए, अपने पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ खोला, मैंने कल बता दिया था, शिव एंड हरी एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2019, कंट्रीब्यूटेड 5 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टली। हरी यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, कंट्रीब्यूटिंग, अंडरलाइन कर लो कंट्रीब्यूटिंग, मतलब बिजनेस में पैसा लगाया, नया बिजनेस है। ये कौन सा बिजनेस है बेटा? सर जी नया बिजनेस है, बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल को किया है, पुराना बिजनेस नहीं है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस 1 लाख एज एडिशनल कैपिटल, मतलब बिजनेस में पैसा और लगाया, 1 जुलाई को लगाया, इसे बोलते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1st 2017। दे एग्रीड टू शेयर, या ठीक कर लो बेटा, ये 17 लिखाना, मैं गलती से यहाँ पे 19 कर दो, जो 1 जुलाई 2017 लिखाना इसको 19 कर दो, 19 इसको 19 कर दो। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3, मैं इसे ठीक कर दूंगा इस गलती को। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, रिगार्डिंग द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी हुई, मैंने आपको बताया था कि एग्रीमेंट क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप मैंने आपसे कहा था, आप अपने आप को अकाउंटेंट मान लो फर्म का, जब ज़्यादा समझ में आएगा। आप फर्म से, आप अकाउंट बना रहे हो, आप फर्म से मांग लो कि भाई दिखाओ यार पार्टनरशिप डीड शो कराओ, तभी तो करोगे। तो पार्टनरशिप डीड शो कर रही है, आपने देखा, आपने देखा क्या क्या चीज़ लिखी हुई है। शिव एंड हरी ईच पार्टनर अराउंड ए सैलरी ऑफ 5,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर हाँ, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। एक क्वार्टर कितने महीने का होता है? 3 महीने का, अप्रैल मई जून 3 महीने, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने, 4 क्वार्टर हो गए। तो इसका मतलब एक क्वार्टर में कितने मिलने हैं? अप्रैल से लेकर जून तक 5,000, जुलाई से लेकर सितंबर तक 5, तो 4 क्वार्टर हो गए। चलिए, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन एट कैपिटल 8% परिणाम, चार्ज ऑन ड्राइंग्स 10% परिणाम, आहरण पर ब्याज रखी है और पूंजी ब्याज रखी, सब कहाँ लिखा हुआ है? डीड में लिखा हुआ है सर, एग्रीमेंट में ब्याज दिया जाएगा। ये सब साथ कहानी सब समझाई दी मैंने, थोड़ी समझा दी, एक एक बात समझा दी आपको मैंने। आप शुरू कर रहे हैं सीधा क्वेश्चन। सर जी ड्राइंग्स ऑफ शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर वर ₹12,000 and ₹10,000 रेस्पेक्टली, और प्रॉफिट दे रखा है आपको 31/12/20 को 1,96,000 रुपये का, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,96,000 रुपये का। पास नेसे जनरल एंट्रीज, आपसे कह रहा है जनरल एंट्री बनाइए, और आपसे कह रहा है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, और क्या कर रहा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 चीज बनानी पड़ेंगी। बच्चों अब आप क्या करोगे, क्या करोगे? जनरल एंट्री जाना खींचो, 1.5 पेज पे जनरल एंट्री जाना खींचना आती है? सिखाऊं? हाँ सर जी सिखा दो। चलिए लाइन खींचिए, 1.5 पेज में खींचोगे आप, अपनी कॉपी जगह नहीं है, मुझे यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा? 1.5 पेज का है मेरे पास, आधे पेज में क्या आएगा? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा, और आधे पेज में क्या आएगा? आधे पेज में क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, ये सब चीज आएंगी। उसके बाद क्या बनेंगे? वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट सबसे एंड में बनेंगे, वर्किंग नोट कब बनेंगे? एंड में। तो आप 1.5 पेज और 1 पेज, 2.5 पेज के बाद वर्किंग नोट बनाइए, 2.5 पेज के बाद मेरा क्या बना हुआ? वर्किंग नोट। तो सबसे पहले कहेंगे, आपसे कह रहा है ब्याज निकालो, तो ब्याज का बना लो, इंटरेस्ट कैपिटल का और ड्राइंग का भी बना लो, बना के रख लो फटाफट। तो आप 2.5 पेज छोड़ दो, 2.5 पेज के बाद बनाओ वर्किंग नोट, 2.5 पेज के बाद क्या बनाओ? वर्किंग नोट। समझ में आ गया? 1.5 पेज में जनरल एंट्री, आधे पेज में P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आधे पेज में कैपिटल अकाउंट, तो कितने हो? 2.5 पेज। उसके बाद बनाओ 2.5 पेज के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में कह रहा है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने निकालना सिखाया था, ब्याज निकालना सिखाया था, कितनी कैपिटल लगाई आपने? 1 अप्रैल को कितनी लगाई? 5 लाख और 2 लाख। ठीक है, एंट्री में बताऊंगा कैसे बनेंगी, पहले आप निकाल कर रख लेते हैं ब्याज को, कल जो सिखाया था वही देखिए,
लेक्चर नंबर 4 में सिखाया था। लेक्चर नंबर कहां किसने सिखाया था? 4 में। लिखिए वर्किंग नोट बनाइए, ढाई पेज के बाद लिखिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट सुंदर सुंदर लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सिम, सिम ने निकाले कितने निकाले? 5 लाख फ्रॉम 1st अप्रैल, 1st अप्रैल 2019 टू मार्च 31 2020 एक साल की ब्याज हो गई 5 लाख रुपए पर, बिल्कुल जैसे मैं लिख रहा हूं आप वैसे ही लिखेंगे। 5 लाख पर ब्याज की रेट देखो, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8/100, 8% है, 8/100 8 × 40,000 रुपये, ब्याज कितनी हो गई? 40,000। चलिए डबल लाइन खींच दो, ऐसी बी की ऐसी निकालो, हरी की ऐसी बेटा, हरी की निकालो। कितने हरी ने लगाए? 2 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल से, तो लिखो फ्रॉम 1st अप्रैल 2019 टू मार्च 31 2020 कितना? 2 लाख पर। 2 लाख पर सर जी कितने परसेंट है? 8/100 8 × 2 = 16 फिर लगा दिए सर जी, हरी ने फिर लगा दिए, कितने लगा दिए? 1 जुलाई 2019 1770 दे रखा है ना, इसको 19 कर लो, अपने कॉपी पे कर लो, लिख लो कॉपी पे, मैं कल ठीक कर दूंगा। लिखिए गलती हो जाती है, गलती इंसान से लिख हो जाती है, टाइपिंग गलती है, तो लिखिए फ्रॉम जुलाई 1 2019 टू मार्च 31 2020 कितने रुपए पे? 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और लगा दिए 8/100 इंटू 1 जुलाई से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 9/12 8,000 रुपए हो गए एक साल के, 9 महीने कितने हो गए? 6,000 रुपए टोटल कर लो 22,000 रुपए 22,000। चलिए ब्याज निकाल दी मैंने आपको, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकालते हैं। अभी समझाया मैंने आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, इसको वर्किंग नोट 1 डाल दो, इसको वर्किंग नोट 1 डाल दो। चलिए लिखिए, मिटा दूं बेटा ये, मिटा दूं ये, मिटा दूं बेटा, लिखिए इन दिस क्वेश्चंस। चलिए वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 लिखिए, वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट बनेंगे एग्जाम में। चलिए देखिए वर्किंग नोट नंबर 2 लिखो, इन दिस क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखिए बेटा, लिखो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस क्वेश्चन क्या नहीं दे रखी भाई साहब? इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, ड्राइंग्स करें ड्यूरिंग द ईयर 12,000 और 10,000 रुपए। आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है? आपको क्वेश्चन में डेट दे रखी है? सही नहीं दे रखी है।
जब नहीं दे रखी है तो ड्राइंग कितने महीने के लिखेंगे? 6 महीने के। बताया था मैंने अभी आपको, मैंने बताया था तो लिखिए। हम इस बात को लिखा देते हैं, आपको तो भूलने की आदत है, फिर मेरे में मैसेज करोगे सर ये 6 महीने कैसे आ गए, 6 बटे 12 काम कहीं नहीं दे रखा इन्फॉर्मेशन। मैंने आपको लिखाया था, लिख लो इन दिस क्वेश्चन द डेट ऑफ, लिखो इन दिस क्वेश्चन द डेट ऑफ ड्राइंग्स, द डेट ऑफ ड्राइंग्स ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन, इन द इन दिस क्वेश्चन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या नहीं दे रखा? ड्राइंग्स नहीं दे रखे। इन द डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देयरफोर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ। ऐसे आहरण पर 6 महीने का वैध निकाला जाएगा, ठीक है? चलिए therefore interest on ड्राइंग has to be calculated फॉर 6 मंथ। सिप का निकालिए, देखो पहले सिप का निकाल लो, सिप का निकाल लो, इंटरेस्ट ऑन सिप की ड्राइंग्स कितनी है, कितने हैं? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये क्या परसेंटेज है सर जी? 10% चार्ज कर रही है फर्म। कितने महीने का ब्याज लगेगा? 6 महीने का। कितने हो गए? 1200 हो गए, 1 साल के 6 महीने के 600 रुपये। लो जी लो, हो गया। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन हरी ड्राइंग्स कितने थे? 10,000 10/100 इंटू 6/12 कितने आ गए? 500 रुपये आ गए सर। लो जी लो, हो गया बेटा। चलिए सर जी, बर्गी नोट बन गए। सर जी क्या बन गए? बर्गी नोट। अब क्या बनाएंगे आप? अब बेटा बनाएंगे जनरल एंट्री, फिर बनाएंगे पीएनएल अकाउंट, और फिर क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। चलिए अब आपको वहीं आ जाओ, क्वेश्चन शुरू में आ जाइए। उतार लिया, चलिए चलिए। जनरल एंट्री बनाइए। आप लाइन खींच लो जनरल एंट्री की। कैसे होगा क्वेश्चन? कैसे होगा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटे। आप अपने अलग अलग पेज पे लाइन खींचना, मैं थोड़ी सेटिंग कर रहा हूं। चलिए ये जनरल एंट्री लाइन हो गई। चलिए नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आ रही है, क्योंकि अब क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे बेटा, दिक्कत तो आएगी, लिखने में दिक्कत भी आएगी। आप पूरे पेपर जनरल एंट्री लाइन खींचना, 1.5 पेज पे। मैं ये मेरी एक पेज हो गया, ये मेरा एक पेज हो गया, ठीक है?
लिख लीजिए डेट पार्टिकुलर्स LF रुपीज और रुपीज डेबिट और क्रेडिट ठीक है। देखिए जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ शिव एंड हरी हरी यहां लिखो डेबिट और ये लिखो क्रेडिट ठीक है बेटे। चलिए अब आगे चलते हैं, एक बनाते हैं पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे। आधे पेज बना लो पी एंड एल अकाउंट बन गया। हाँ लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लीजिए फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31 2019 पार्टिकुलर्स। चलिए ठीक है, आप खींच लीजिए 12-13 लाइन में आएगा ये ठीक है। अब मैं बनाता हूं, चलिए एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिख लीजिए ना, लिखो शिव और हरी और शिव और हरी क्रेडिट और डेबिट पार्टिकुलर्स सब कुछ लिखेंगे आप जब ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए फॉर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैं कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चंस, पढ़िए क्वेश्चंस। देखिए आपने लिख लिया होगा, मैंने पहले ही बोला था कॉपी पर लिख के रखना। फोर्थ क्वेश्चन बताया था मैंने फोर्थ लेक्चर में, चौथा क्वेश्चन लिख लेना। कल सिक्स क्वेश्चन लेक्चर में 5 और 6 लिखना अपनी कॉपी पर, लिख के रख लिया करो पहले ही, फिर मुझे इसकी, क्योंकि मुझे बोर्ड पूरा चाहिए, पता लगा मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन डाला, कंप्यूटर में उधर से बोला कि स्क्रीन पे क्वेश्चन डालो तो बोर्ड मेरा सारा जगह ले लेगा, तो प्लीज आप लिख लो पहले कॉपी पर, आपको आसान रहेगा ठीक है। तो देखिए मेरे पास ये है पीडीएफ। तो देखिए मैंने आपको बताया था पी एंड एल के बाद बनता है पी एंड एल प्रोफेशन अकाउंट, पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट पी एंड एल बना लिया, फर्म ने बना लिया, उसके बाद 1,00,000 सबसे लास्ट में देखिए प्रॉफिट ऑन 31 मार्च 2020 बिफोर दी एवर मेंशन एडजस्टमेंट 1,00,000, मतलब कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट दे रखा है, मतलब अभी इसमें 1,96,000 रुपये ना पार्टनर्स को ब्याज दी, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट और जॉइंट्स को ऐड किया, तो कर लो रिविजन के लिए प्रॉफिट। तो मैंने कहा था पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट प्रॉफिट को बांटने के लिए बनाया जाता है। अब प्रॉफिट कैसे बांटेंगे? सैलरी के रूप में बांटेंगे, ब्याज के रूप में बांटेंगे, ऐसे बांटेगा। तो सबसे पहले जो 1,96,000 रुपये कहां से आया था? पी एंड एल अकाउंट से, मैंने बताया था पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ, यहां पर आया। सर जी अकाउंट्स के अंदर
हर चीज की एंट्री बनती है सर। अकाउंट में ये नहीं होता कि यहाँ की एंट्री यहाँ गई। अरे कोई भी चीज आई तो एंट्री से तो आई, तो लिखिए एंट्री नोट करिए, लिखिए, लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बिल्कुल बीच में लिखिए टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन लिख लेंगे आप लिखना चाहते हो, मैं बोल रहा हूं आप नोट कर लो। बच्चों को तो इलेवेंथ वाले बच्चों को सबसे ज्यादा पहले एंट्री की चिंता कम होती है, नरेशन की चिंता ज्यादा होती है। सर जी नरेशन लिखा दो, तो लिख लो नरेशन, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बी प्रॉफिट से लिखिए 2000 पहले एक काम कर लो, ये एंट्री भी बनाते हैं, इसको रोक लो, दो मिनट रुक जाओ, कोई बात नहीं है। पहले आपको पूरी एक प्रॉपर एंट्री समझा दूं। पहले देखिए यहां पर लिखा हुआ हियर इज एंटर इंटू पार्टनरशिप 1/2019। कब स्टार्ट हुआ बिजनेस? 1 अप्रैल को। और कितनी रुपए कैपिटल लेके आए? 5 लाख और 2 लाख रुपए। कितनी लेके आए कैपिटल? 5 लाख और 2 लाख। तो सजी सजी एक काम कर लो, पहले आप इसकी एंट्री बना दो, लिखो 2019 अप्रैल 1, ऐसा बनाओ ना। पहले अप्रैल 2019 की एंट्री बनेगी ना, पैसा लाने की। बैंक अकाउंट डेबिट कौन लेके आ रहा पैसा? सर जी शिव भाई साहब ला रहे हैं, शिव कैपिटल। और कौन लेके आ रहे हैं? सर जी हरी ला रहे हैं, हरी कैपिटल। सर जी कौन कौन लेके आ रहे हैं? शिव और हरी। नरेशन मैंने कल आपको लिखाए थे, ये कितने लेके आया? 5 लाख। ये कितने लेके आया? 2 लाख। चुपटा के लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, 7 लाख। सर जी प्रेजेंटेशन सीख लीजिए राजीव जैन से, वरना बहुत पछताओगे। अगर आपको 100 मार्क्स लेके आने अकाउंटेंसी में, प्रेजेंटेशन इज द मस्ट। अगर आप अच्छा नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। पूरी जिंदगी में से यही कहते रहोगे सर आपने हमने आपकी बात नहीं मानी, नंबर नहीं आए। चलिए तो अब इसकी पोस्टिंग जानते हो, 11वीं सिखाई थी। शिव कैपिटल और हरी कैपिटल कहां पे लिखा हुआ है? क्रेडिट में। तो ये आपने बनाया है, ये शिव का कैपिटल है, ये हरी का कैपिटल है, कंबाइंड बना दिया। तीन होते तो एक लाइन और खींच देते, शिव हरी और राम, तो एक लाइन और आ जाती, राम की आ जाती। तो देखिए पोस्टिंग याद है आपको, डेली पोस्टिंग सिखाई थी। शिव कहां पर है और हरी हर, शिव कितने रुपए से क्रेडिट है? 5000 से। शिव कितने रुपए से क्रेडिट है? 5 से। तो शिव को 5000 से क्रेडिट कर दो और 2 लाख से क्रेडिट कर दो। अगर चाहो तो डेट का कॉलम बना लो, अगर आप चाहते हो तो यहां पर डेट का कॉलम बन जाएगा। तो देखो वाई बोर्ड छोटा है, इतना सारा मैटर नहीं आ सकता, आप चाहे यहां लिख दो, आप चाहे यहां लिख दो। चलिए ये आ गया, पोस्टिंग हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है 1 जुलाई को और लगाए, 1 जुलाई को हमने और लगा दिए, जुलाई 1 को पैसा और लगा दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन लगा रहा है? हरी लगा रहा है। तो हरी का पूंजी खाता, हरीज कैपिटल, हरी ने और लगा दी 1 लाख रुपए। लो जी लो एंट्री आ गई, फर्म के पास पैसा आ रहा है। एक बच्चा बोला है सर जी यहां कैश क्यों नहीं लिखा? मैंने आपको बताया था फर्म जो है पार्टनर से चेक में एंट्री लेगी, कैश नहीं लेगी, चेक के थ्रू ट्रांजेक्शन होगी, एक सिंगल रुपये का भी पेमेंट नहीं कर सकती फर्म कैश में। अगर आप करोगी तो इसका मतलब है कुछ आप ब्लैक काम कर रहे हो, समझ में आ रही है? तो भाई ढोर पैसे लेके आइए, भाई ढोर पैसे लेके आइए आप। चलिए इसकी पुष्टि करो, हरी कहां पर है? क्रेडिट में। तो हरी हरी कितने रुपए से क्रेडिट है? 1 लाख से। हरी कितने रुपए से क्रेडिट है? 1 लाख से। बाई बैंक 1 लाख रुपया आ गया, यहां डैश मार दो। कब लाया? 1/7/2019 को लिख दो जी, डेट लिख दो,
वरना डेट का कॉलम बना दो, जगह नहीं है तो मैंने बनाई नहीं, बाकी कोई जोत नहीं है। ठीक है ठीक है, हाँ हर चीज चलिए आ गए। अब क्या हो रहा है, अब काय की एंट्री बनेगी, जो प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट में जो प्रॉफिट आया था ना, वो प्रॉफिट कहाँ जाएंगे, ट्रांसफर करेंगे। कब करेंगे, 31 मार्च 2020 को, मार्च 31 को। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जल्दी जल्दी लिखिए, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने रुपए कमाया, मतलब 196,000 रुपए का प्रॉफिट कहां ट्रांसफर कर दिया, पी एंड एल अकाउंट में, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से ये प्रॉफिट आ गया। देखिए उसकी एंट्री मैंने क्या बनाई, तो लिखिए वाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 196,000 रुपए, या लिख लो बीइंग नेट प्रॉफिट, बीइंग नेट प्रॉफिट। चलिए अब ब्याज की एंट्री डालिए, फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, ब्याज दिया, ब्याज की एंट्री लिखिए, उसी डेट को 31 मार्च को ब्याज दिया, लिखिए ब्याज क्या है फर्म के लिए, खर्चा, ब्याज क्या है बेटा, खर्चा है सर जी फर्म के लिए, मैंने बताया था जब फर्म ब्याज देगी, ब्याज क्या है, खर्चा है फर्म के लिए, सभी खर्चों को क्या करूंगा डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। किसे देगी, किसे देगी ब्याज, सिप को, सिप को देगी, सिप कैपिटल अकाउंट टू हरी कैपिटल अकाउंट, हरी की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ब्याज किसे मिलेगी, हरी को, हरी की कैपिटल बढ़ेगी तो उसे क्या करूंगा, क्रेडिट, हरी को ब्याज मिलेगी, पार्टनर्स पैसे पर ब्याज देगी, हरी की क्या हो गई, इनकम हो गई, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हरी की क्या हो जाएगी, कैपिटल। कितने ब्याज निकाला हमने, हमने ब्याज निकाला था बेटा, हमने ब्याज निकाला था, कितना निकाला था बोलो, 40,000, हमने ब्याज कितना निकाला था, 40,000 निकाला था, और कितना निकाला था ब्याज, और भी कुछ निकाला था, 22,000, 40,000 और 22,000 कितने हो गए, 62,000 रुपये हो गए सर जी, ब्याज हो गए 62,000 रुपये। इसकी एंट्री कर दो, सिप और हरी कहाँ है, क्रेडिट में, सिप की कैपिटल और हरी कैपिटल कितने क्रेडिट है, 40 और 22 से, सिप की हरी को क्रेडिट कर दो 40 से और 22 से, लो जी आ गया 40,000 और 22,000 रुपये आ गया, 40,000 और 22,000 रुपये आ गया। अब क्या किया, ये ब्याज जो है ट्रांसफर करेंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, बताया था मैंने आपको इन सब का क्या होगा, बंटवारा होगा, क्या होगा, बंटवारा, किसके रूप में, पहले क्या दे दी, ब्याज दे दी, कैपिटल कितना 62,000 रुपये, लो जी लो ये आ गया, तो यहां लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना, सिप और हरी कितना, 40 और 22 कितने हो गए, 62,000 रुपये। चलिए हो गया एंट्री, एंट्री क्या बनेगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पी एंड एल अकाउंट कहाँ, डेबिट में, डेबिट में लगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्याज क्या फर्म के लिए, खर्चा, खर्चा आ गया, इस प्रॉफिट को बांट रहे हैं, इस प्रॉफिट में से कितने बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 196,000 रुपये, 1,00,000 सॉरी 196,000 में से कितने दे दिए, ब्याज के रूप में 62,000 रुपये, 196,000 में से 62,000 रुपये काय के रूप में दे दिए, ब्याज के रूप में दे दिए। नेक्स्ट देखिए, अब सैलरी मिल रही है, पहले मुझे सैलरी की एंट्री बांट दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी एंट्री कहीं मिला दो, लिख लो सैलरी अकाउंट डेबिट टू सिप कैपिटल टू हरी कैपिटल,
पार्टनर्स को क्या दी जा रही है? ब्याज। पार्टनर्स को क्या दी जा रही है? सॉरी, सैलरी। सैलरी कितनी दी जा रही है? 5,000 रुपये पर क्वार्टर। 5,000 रुपये पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। 5×20। कह रहा है क्वेश्चन में ईच दोनों को 20,000 रुपये और 20,000 रुपये कितने हो गए? 40,000। ठीक है, तो लिखिए इसे ब्याज की एंट्री कर दो। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री डाल दो ब्याज की। अरे भाई सिर्फ कैपिटल और हरी कैपिटल कितने से करेंट है? 422 से। ये लिख दिया मैंने, इसके सामने लिख देता हूं 40 और 22। ऐसी सैलरी की 22 सैलरी अकाउंट कितना? 20 और 20। ठीक है भैया, चलिए अब ऐसे ही जगह है। देखो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। मेरी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज से काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ रहा है, आप एंट्री नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, मतलब ये सैलरी कहां लगी जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां डेबिट में? तो डेबिट में लिखिए टू सैलरी शिव और हरी 20 और 20 40,000 रुपये। कोई दिक्कत आ रही बच्चों? दिक्कत आएगी नहीं, दिक्कत नहीं आएगी। मैं मिटा रहा हूं एंट्रियों को, मैं एंट्री को मिटा रहा हूं। अब फटाफट नोट करिए, आमद मिटा कर लिख लेना। चलिए सारी पोस्टिंग हो गई। अब क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनर्स ने पैसे निकाल लिए, ड्राइंग कर ली 12,000-10,000 रुपए की। कहां से करेगा ड्राइंग्स? सर जी यहां से करेगा। तो क्या बेटा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखो ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स कितने निकाल लिए? सर जी 12 निकाल लिए और 10,000 निकाल लिए। अब एक एंट्री ओपन है जी, लिखिए एंट्री बनाइए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी हमने निकाली थी, कैपिटल कम हो जाएगी। शिव कैपिटल अकाउंट डेबिट, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, फर्म को ब्याज मिलेगी आहरण पर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम हो गई। कौन दे रहे हैं ब्याज? पार्टनर्स। ब्याज कौन दे रहे हैं? पार्टनर्स। हमने निकाले थे, हमने ब्याज निकाली थी 12,000 रुपये कितनी हो गई? 1,200 रुपये एक साल की, 6 महीने कितनी हो गई? 600। तो 600 ऐसे ही कितने आएंगे? 500 1,100 आ गए। अभी जैसे हमने ये इनकम है, इनकम जो चीज क्रेडिट की थी उसे डेबिट कर दो। ये मैंने बताया था, नियम बताया था अकाउंट्स का, जो चीज क्रेडिट होगी उसे फिर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। कहाँ जाएगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगी। सर कहाँ जाएगी एंट्री? इनकम है, फर्म की क्या है? इनकम। इनकम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? चलिए वाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और हमें 600 और 500 1,100। चलिए हो गया क्वेश्चन। चलिए अब क्या करेंगे? ब्याज को यहां लिख दो। लिखिए शिव कैपिटल और हरी कैपिटल कहां पर? डेबिट में। डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 600 और 500। चलिए उसके बाद
पीएनएनजीबीआई अकाउंट, ये एंट्री यहाँ गई। चलिए प्रॉफिट निकालिए, ये ज्यादा ये कम है, तो लिखो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन बांटेगा, शिव कैपिटल और टू हरी कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू हरी कैपिटल, ठीक है। प्रॉफिट बांट लो, ऐसे ही बटेगा बिल्कुल, 1,97,100 इनकम में से सारे खर्चे घटा दो, इनकम में सारे खर्चे घटा दो, 95,100 इसको बांट दो, 95,100 को बांट दो, 95,100 को बांट दो, 3:2 में 3/5 और 2/5 बांट दो, से इसको बांट दो 2/5 में 3:2, मैंने बताया था कल, मतलब 3 और 2 5, 3/5 और 2/5 में बांट दो, प्रॉफिट को बांट दो, लिख लीजिए 57,060, 95,100 का 2/5 कर लीजिए, 38,040 कितना आएगा, तो लिखिए 1 एंट्री बना लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, किसे मिलेगा पार्टनर्स, जो बैलेंस बच जाएगा उसे किसे बटे मिलेगा, पार्टनर्स को, लिखिए टू शिप कैपिटल, कैपिटल बढ़ जाएगी, किसकी बढ़ जाएगी, पार्टनर्स की, और टू हरी कैपिटल, ये प्रॉफिट किसे मिलेगा, पार्टनर्स को, एंट्री बनेगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू शिप कैपिटल और हरी कैपिटल, तो 57,060 38,040 95,100 बस हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। शिव और हरि कहां क्रेडिट में, बाई पी एंड एल एप्रोवेशन अकाउंट 57,060 और 38,040 टोटल कर दो लिखिए टोटल लिखिए 6,00,000 टोटल करो 6,17,060 6,17,060 उसे जोड़ दो 3,80,040 3,80,040 बैलेंस निकाल लो, लेस कर दो इसमें से, दोनों लेस कर दो 12,600 लेस कर दो 960 ये लेस आ गया, इसमें से ये लेस कर दो दोनों, ऐसे 3,80,040 में लेस कर दो 3,69,540 3,69,540 क्या आ गया, सीढ़ी आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बच्चों नमस्ते, टेक केयर, इस क्वेश्चन को पूरा करना, दो बार करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे सब क्वेश्चन बहुत हार्ड आने वाले हैं, आपको सब बहुत हार्ड आने वाले हैं। मैंने जनरल एंट्री से आपको एक चीज सिखाई है, जनरल एंट्री से लेजर सिखाई मैंने आपको, जनरल एंट्री से लेजर सिखाई। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।